बिना कांग्रेस के नया मोर्चा तैयार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में हुई सहमति। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से भी मुलाकात करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को शामिल किए बिना आपसी सहमति से नया मोर्चा बना लिया है। दोनों शीर्ष नेताओं की शुक्रवार को कोलकाता में मुलाकात हुई है। ममता बनर्जी अगले हफ्ते उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से मुलाकात भी करने वाली हैं। समाजवादी पार्टी ने दोनों नेताओं की मुलाकात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर भी शिष्टाचार भेंट की है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर टिप्पणी की और जब तक वह माफी नहीं मांगते बीजेपी संसद नहीं चलने देगी। बीजेपी राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के रूप में चाहती है जिससे बीजेपी को मदद मिले। पीएम के चेहरे पर फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को सीएम ममता बनर्जी उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मिलने वाली हैं। अन्य विपक्षी दलों के साथ बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखने की योजना पर बात करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि तीसरा मोर्चा है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के पास बीजेपी से मुकाबला करने की क्षमता है। ये सोचना एक भ्रम है कि कांग्रेस विपक्ष की बिग बॉस है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कोलकाता में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि देश में सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश का जितना नुकसान किया उतना किसी भी दल ने नुकसान नहीं किया होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जो दल में हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।